दोस्तों माल आ गया है, माल इस बार बहुत ज़्यादा है। गाड़ी आई लेकिन उस गाड़ी के आगे मेरी गाड़ी लगी हुई थी, इस वजह से उस गाड़ी को सबसे पहले मुझे आगे करना पड़ा। और फिर आप लोग देख सकते हैं इस गाड़ी में माल लोड हुआ है, पूरी गाड़ी खचाखच भरी हुई है। इस बार 9 कार्टून मछलियाँ आई हैं और सिर्फ 1 कार्टून ड्राई आइटम आया। आप लोग देख सकते हैं कार्टून बहुत सारे हैं और कुछ कार्टून को मतलब यहाँ पे रखने की जगह नहीं है, तो बहुत सारे कार्टून से मैंने बैग निकाल दिए हैं पन्नी के, इनके अंदर मछलियाँ हैं और बाकी कार्टून बचे हुए हैं इनके अंदर। देखते हैं खोल खोल के भी लगाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्टून है जिनके अंदर भी पूरी मछलियाँ, देखनी है कि कौन कौन सी है। तो क्या है कि कार्टून साइड करना पड़ेगा मछलियों को निकाल निकाल के, तभी बनेगा मछलियों को रखते हुए और शिफ्ट करते हुए। इसके लिए सबसे पहले कार्टून निकाल निकाल के हम लोग देखते हैं कि मछलियाँ कौन कौन सी आएंगी, इसमें पता चल जाएगा। फिर टैंक में डाल के लास्ट पे देखते हैं। मिल्की कॉर्प, पोलर पैरेट, इस पर थोड़ा छोटी छोटी हैं, एल्बिनो रेड टेल शार्क, फीमेल गप्पीज, ये फ्लावर हॉर्न है, ग्रीन विडो, इसे पूरा पूरा ड्राई आइटम, इसे बाद में देखेंगे, पहले मछलियाँ निकाल लेते हैं। आइस चिकलेट, गप्पीज, मॉलीज, डॉल्फिन चिकलेट है, ये सारी सारी डॉल्फिन है। साइज मुश्किल से 3 से 4 इंच का है। टिन फाइल बार, एंजल, एंजल व्हाइट शार्क, सुटेल, गोल्ड, गोल्ड, एंजल, ग्रीन टेरर, गुरामी, गुरामी। तो दोस्तों अब इन सभी पैकेट्स को मैं खोल खोल के, और जैसे कुछ पैकेट्स इनमें हवा निकल गई, लीक हो रहे हैं, इनको सबसे पहले एक्वेरियम में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं एक्वेरियम में डालने के बाद। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आज दूसरा दिन है, और जिस दिन मैं आप लोगों को फिशेस दिखा रहा था उस दिन सेम डे मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ जब एक्वेरियम में डाल देते हैं, क्योंकि रात का समय होता है वो हमारे यहाँ पे। आज ये दूसरे दिन पे आप लोग देख सकते हैं जो इसमें न्यू फिशेस जो ऐड हुई हैं, वाइस चिकलेट्स हैं और आप लोगों के डॉल्फिन चिकलेट्स, सबकी कंडीशन देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है। साइज़ थोड़ा सा ठीक है, मीडियम साइज़ की हैं, लगभग 3 इंच प्लस ही हैं डॉल्फिन, आपका आइस 1.5 इंच है।
उसके बाद आप लोग देख सकते हैं पैरेट्स हैं मेरे पास, वो हार्ट शेप की पैरेट है, नॉर्मल नहीं है बट वो भी सही है। ये पिछला लॉट ही है पैरेट का, मतलब जो इसके पिछली बार वाली अनबॉक्सिंग थी आप लोग उस पर देखे हुए थे। और फायर माउथ हैं कुछ जो कि बड़े हो रहे हैं, ये पिछले के पिछले बार के हैं, जिनकी प्राइस पहले मैंने 100 रुपये इच रखी हुई थी बट इनके प्राइस धीरे धीरे बढ़ जाएगी क्योंकि इनकी साइज़ ही बढ़ रही है और हमारे यहाँ भी रहते रहते भी काफ़ी वो हो चुके हैं। और डॉल्फिन चिकलेट्स की जो मैंने प्राइस रखी हुई है 200 रुपीज़ इच रखी हुई है, और बाकी सारी फिजिक्स तो पुरानी ही हैं तो उनके आप लोग रेट जानते हैं। जैसे पैरेट इस 900 रुपीज़ पेयर है। एंजल आई इस पर बहुत बढ़िया आई, एंजल बड़ी साइज़ की है और मार्बल एंजल भी है, मार्बल एंजल के साथ में कुछ मिक्स या फिर डायमंड एंजल घूम रही है। और इस पर आप लोग देख सकते हैं साइज़ भी इसका देख सकते हैं, बढ़िया अच्छा है। मतलब ऐसे एंजल बहुत ही सभी मछलियाँ ऐसे मछलियों के किस्से तो आप लोग जानते ही हैं कि आ गया तो ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ नया आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो बेहतरीन मिलता ही है, नहीं तो बाकी सब तो नॉर्मल ही चलता रहता है। जैसे बेटा फिश 2 बार से नहीं आ रही, फुल मून बेटा नहीं आ रहा, फीमेल बेटा फिश नहीं आ रही, कई सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, वो नहीं मिल पाती हैं। उसके साथ में इस बार कलरफुल मौली फिशेस आई हुई हैं, काफ़ी अच्छी मौली फिशेस हैं आप लोग देख सकते हैं। और वाइट कलर में भी काफ़ी अच्छी चॉकलेटी मौली भी है, और यहाँ पे ऑरेंज और ब्लैक और प्योर ब्लैक सारा मिक्स है। जेब्रा इस बार नहीं है, जेब्रा की जगह उन्होंने मॉलीज भेज दी हैं, और ये काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे नेचुरल पॉन्ड्स जो लोटस वगैरह बम्बूसाई वगैरह लगाते हैं उसमें भी रखते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और जिसकी प्राइस मॉली की इस टाइम पे 50 रुपीज़ पेयर है, और एंजल फिश की जो प्राइस अपन लोगों ने रखी हुई है 140 रुपीज़ पेयर। साथ में आप लोगों को दिखाना चाहूँगी उस सुबुंकिन फिशेस आई हुई हैं जो कि अच्छी साइज़ हैं और क्वालिटी भी अच्छी है और क्वान्टिटी भी। इनको मैंने छोटे वाले टैंक्स में रखे हुए हैं, इनकी जो प्राइस है 100 रुपीज़ पेयर है। उसके बाद में वही एंजल है जो अभी दिखाया था, सुटटेल आया हुआ है, प्लेटी है ये, सुटटेल तो नहीं है। और एल्बिनो आइज़ हैं, ये भी 50 रुपीज़ पेयर हैं। जेब्रा हैं, रिवर फिशेस हैं। इसके साथ में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास बहुत सारी गप्पी फिशेस आई हुई हैं इस बार, और ये सारी की सारी आप लोगों को खुशखबरी है कि ये फीमेल गप्पीज़ हैं ज़्यादा। जैसे पिछली बार वाली छोटी छोटी जो दिख रही हैं ये मेल गप्पीज़ हैं, और इनके पीछे जो बड़ी साइज़ की हैं ये फीमेल गप्पी हैं। जिन भाई दोस्त लोगों को चाहिए थी फीमेल गप्पी ब्रीडिंग पर्पज़ से मेरे पास आ रहे थे तो जल्दी आएँ, जल्दी पाएँ के तहत ले जाएँ, नहीं तो ऐसा ना हो कई बार लोग दर्जन मिल जाते, तो इनके रेट मैं लगा दूँगा, बढ़िया रेट लगा दूँगा, मतलब कि मैं 20-25 रुपये में एक गप्पी फिश आप लोगों को दे ही दूँगा, आप लोग टेंशन नहीं लें। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रीन टेरर फिश, ये मेरे पास ग्रीन टेरर की बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी आई क्योंकि इनके कलर दिख रहे हैं बहुत ही अच्छे कलर हैं, और इनका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो इनके रेट भी सही हैं बढ़िया। 100 रुपीज़ इच, 200 रुपीज़ का पेयर है, और ये मतलब बहुत सारी फिशेस साथ रह लेती हैं, मतलब एक कॉम्बिनेशन में अगर बड़ा टैंक है तो। और तो मैंने कुछ एंजल की मेरे पास इतनी क्वान्टिटीज़ आई हुई थी कि मैंने कुछ एंजल इरवाना के टैंक में मुझे डालना पड़ा, मैं डाला, देखा सुबह तो काफ़ी अच्छे तरीके से इरवाना और आपकी घोस्ट और एंजल सब के सब बहुत फ्रेंडली तरीके से रह रहे हैं। तो ये फायर माउथ वही बड़े साइज़ वाले हैं जो पिछली बार प्लॉट पे आए हुए थे, 10 फाइल बार आए हैं छोटे साइज़ के 100 रुपीज़ पेयर वाले। और ये सकर कैट हैं, ये भी 100 रुपीज़ पेयर एल्बिनो सकर कैट्स हैं। ऑस्कर आई हैं, लिमिटेड हैं, 4 ऑस्कर है वो भी एल्बिनो, आप लोग देख सकते हो। इनकी साइज़ भी ऐसे ही है, 3 से 4 इंच का मीडियम साइज़ है, और जो इसकी प्राइस हम लोगों ने रखी हुई है 300 रुपीज़ पेयर, 150 रुपीज़ इच। और ये पुराने ब्लैक वाले उसका जो 3 थे और ये 4 नए आ गए हैं। इस बार मेरे पास गोल्ड में बहुत वैरायटी आई हुई है, आप लोग देखें, रेड कैप हैं, मिक्स कलर की गोल्ड्स हैं, वाइट एंड गोल्ड क्रॉस गोल्ड्स हैं, पुरानी छोटी वाली हैं ये जो थी, तो बहुत सारे लोग जो गोल्ड फिशेस शौकीन और काफ़ी हेल्थी फिशेस हैं, मतलब इनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, मतलब इनके बॉडी साइन वगैरह आप लोग देख सकते हैं, साइनिंग बहुत अच्छा है इनमें। करने में कॉर्प का भी बहुत अच्छा वैरायटी आया हुआ है और हेल्थी हैं, कैसे एकदम वाइट कॉर्प है, और ये 5 वेल्टेल कॉर्प्स हैं और सारे कलर्स में। उसके अंदर मेरे पास फ्लावर हॉर्न भी आई हुई है, पिछली बार फ्लावर हॉर्न आते साथ बिक गई थी, इस बार अभी रखी हुई है, ये भी ऑर्डर पे लेकिन मैं मंगाया हुआ हूँ आप लोगों को पहले बता दूँ, तो जो जिनकी है वो आके ले जाएंगे। और ये फ्लावर हॉर्न का जो रेट मैंने रखा हुआ है वो 2000 रुपीज़ रखा है। उसके साथ में आप लोग एंजल फिशेस देख सकते हैं, वेल्टेल एंजल फिश है, और इसके साथ में गप्पी फिश मुझे रखनी पड़ी है बिकॉज काफ़ी अच्छे से रह रही हैं दोनों। और उसके साथ में ये वेल्टेल का भी स्टॉक है पिछले लॉट का ही है, और देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से, इनकी क्वालिटी भी देख सकते हैं कितनी अच्छी है अभी तक। मेरे पास कुछ बहुत ही स्पेशल कार्प आई हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, जो जिनको बोलते हैं एग्जॉटिक कार्प, इम्पोर्टेड कार्प्स,
वो भी है मेरे पास, वाइट, ब्लैक, ऑरेंज, देख सकते हैं, बेहतरीन कॉर्प हैं, इन्हें कोई कॉर्प भी बोला जाता है। इनके साथ में मिल्की थी है मेरे पास, इसके साथ ये बड़ा वाला शुभांकिन रह रहा है, अच्छे तरीके से रह रहे हैं ये सब लोग, फीमेल शुभांकिन है जो एकदम जाइंट साइज का है। पोलर ब्लू पैरेट में वाइट आ गए हैं जो थोड़ा सा छोटे साइज के हैं, ब्लू पहले से ही थे मेरे पास। और ये आपका एल्बिनो रेक्टल सार्क, ये भी आ गई है, टाइगर सार्क वो भी आ गया है, ब्लू गुरामी वो भी आ गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास मछलियों का स्टॉक काफ़ी अच्छा है हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टाइम पे आएंगे और अपनी मछलियों को ले जाएंगे। एक मैं सबसे ख़ास मछली आप लोगों को दिखाना भूल गया, मेरे पास गुरामी फिशेज भी हैं जो कि बड़ी साइज़ की आई हैं, मीडियम साइज़ की, जिन्हें बड़ी साइज़ के फिशेज लेना हो तो ले सकते हैं। उसके साथ में अब आप लोग देख सकते हैं ग्लो फिश, जिनको मैं आप लोगों को दिखाया ही नहीं था और जो आज की डेट में एकदम से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ख़ास हो चुकी हैं। तो ये टैंक पूरी ग्लो फिशेज से भरा हुआ है, सभी कलर हैं, ग्रीन, पिंक, रेड, ब्लू, सभी के सभी कलर हैं, आप लोग देख लें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे न्यू फिशेज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर भी करेंगे, मेरे चैनल पहली बार अगर आप लोग आए चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, बाय बाय।